पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला कल्याण समिति द्वारा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सरस्वती वंदना डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत की गई। मनोरमा गुप्ता ने महिला दिवस की महत्वता बताते हुए कहा कि हम सभी महिलाओं को गर्व करना चाहिए कि वर्ष में एक दिन महिलाओं के नाम है, पुरुषों का ऐसा महत्वपूर्ण कोई भी दिन नहीं है। उन्होंने कहा कि सन 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही महिला वर्ष घोषित किया था। महिलाओं ने कपड़ों के मिलों में कार्य करते हुए शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। सन 1869 में महिलाओं ने नगरपालिका चुनावों में वोट डाले और 1918 में संसद और विधानसभा चुनावों में मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी गयी और कहा गया कि महिलाओं को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए और महिला सम्मान के लिए सभी को लड़ाई लड़नी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को हम मनाते ही हैं, लेकिन इस बार जो हमारी महिला दिवस की थीम है वो बैलेंस फॉर बेटर कि हम एक अच्छा सा संतुलन बनाएं परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जब हम संतुलन बनाएंगे तो परिवार को भी अच्छी तरह से दायित्व निभाएंगे परिवार का, समाज में भी बाखूबी कार्य करेंगे और देश का भी हम विकास की बात सोच सकेंगे। झांकियां आज इसलिए प्रदर्शित की गई, ये नौ दुर्गे नौ देवियों का प्रतीक हैं, अलग अलग रूप में ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, शैलपुत्री, कात्यायनी, यह सब एक शक्ति का प्रतीक हैं, नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो हम सब महिलाएं, नारी एक शक्ति का सबक लें और एक सादगी का जीवन बिताएं और एक ऐसा मार्ग चुने जो हम एक आदर्श जीवन, आदर्श अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। तो नौ देवियाँ शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति की प्रतीक या आह्वान करती हैं, ये संदेश दे रही हैं कि हम ऐसे शक्तिशाली बने कि अपने आप को असुरक्षित ना समझें, हम अपनी सुरक्षा अपने आप करें। ये ऐसा समय है कि हमें स्वयं सुरक्षा अपनी अपने आप करनी होगी, मजबूत बनना होगा, तभी हम महिला दिवस की सार्थकता